थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, हमारा पॉडकास्ट द हॉरर शो बाय खूनी मंडे अब है स्पॉटिफाई इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर पॉडकास्ट शोज एवर। आपने फॉलो किया ना? नहीं किया तो स्पॉटिफाई इंडिया पर जाओ और अभी फॉलो करो द हॉरर शो बाय खूनी मंडे। वहां भी एक घंटी है, उसको भी बजा देना। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। ये कहानी जेम्स की है। जेम्स एक कॉन्ट्रैक्टर था और वो रिसेंटली बैंगलोर शिफ्ट हुआ था। बैंगलोर में आते ही उसका कंस्ट्रक्शन का काम बहुत अच्छा चल रहा था। उसने एक साल के अंदर ही 3-4 कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए थे और उसी की वजह से उसे अपना पहला गवर्नमेंट प्रोजेक्ट भी मिला था। वो प्रोजेक्ट वैसे तो काफी छोटा था, पर जेम्स को उसे पूरा करने के लिए नॉर्मल से काफी ज्यादा पैसे मिल रहे थे। वो प्रोजेक्ट असल में एक पुराने खंडर घर को डेमोलिश करने का था। जेम्स साइट का मुआयना करने के लिए पहले अपने साथ एक डेमोलिशन एक्सपर्ट को ले गया। उस एक्सपर्ट का नाम था रामानंद। रामानंद बैंगलोर का ही रहने वाला था, इसलिए जेम्स को उसको साथ ले जाना बेहतर लगा। जैसे ही जेम्स ने अपनी गाड़ी उस घर के सामने रोकी, रामानंद की आंखें बड़ी हो गईं। जेम्स ने जब उस घर की तरफ इशारा किया तो रामानंद हड़बड़ाकर कुछ बड़बड़ाने लगा। उसके पसीने छूटने लगे। जेम्स ने उसकी हड़बड़ाहट को देख उसे पानी पिलाया और उससे पूछा कि अचानक उसे क्या हो गया है। रामानंद ने जवाब में कहा, साहब इस घर को टेरावेरा हाउस कहा जाता है और ये कोई मामूली जगह नहीं है, ये घर भूतिया है। रामानंद की बात सुनने के बाद कुछ सेकंड्स के लिए गाड़ी में सन्नाटा छा गया, पर वो सन्नाटा जेम्स की जोरों की हंसी के साथ गायब हो गया। जेम्स हंसते हुए बोला, हाँ हाँ, हर खंडर घर में कोई ना कोई भूत तो होता ही है। ये कहते ही जेम्स गाड़ी से उतरकर उस घर की तरफ चलने लगा। वहीं रामानंद गाड़ी से उतरा ही नहीं और गाड़ी के अंदर ही जेम्स को रुकने के लिए आवाज लगाता रहा। सर, सर मत जाइए सर, अंदर सर। जेम्स समझ गया था कि रामानंद घर के अंदर नहीं आने वाला था, इसलिए उसने अकेले ही घर का मुआयना करने का सोचा। वो घर काफी बड़ा था पर बहुत ही बुरी हालत में था। बाहर एक जंक खाई गाड़ी रखी थी। सब कुछ ऑब्जर्व करते हुए जेम्स उस घर के अंदर चला गया। घर के अंदर अभी भी बहुत पुराना फर्नीचर था और बहुत सी पेंटिंग्स लटकी थीं, लेकिन सभी चीजों पर धूल जमी हुई थी। जेम्स की नजर एक पेंटिंग पर गई तो उसमें दो लड़कियां एक साथ खड़ी थीं। वो दिखने में दो बहनों जैसी लग रही थीं। जेम्स का ध्यान पता नहीं क्यों उस पेंटिंग पर ही रुक गया, पर तभी उसे घर के अंदर से पियानो के बजने की आवाज आई। जेम्स चौंक गया और इधर उधर देखने लगा तो उसे हॉल के कोने में एक रूम दिखा जिसमें एक पियानो रखा हुआ था, पर अब उससे कोई आवाज नहीं आ रही थी। जेम्स जैसे ही वापस पलटा तो उसने देखा कि उस पेंटिंग में अब दो की जगह सिर्फ एक ही लड़की थी। ये देखकर जेम्स को कुछ समझ नहीं आया। इतने में वो कुछ सोच पाता कि उससे पहले ही कमरे में पड़ा वो पियानो अब ऐसे बजने लगा मानो जैसे कोई प्रोफेशनल म्यूजिशियन उसे बजा रहा हो। जेम्स पीछे मुड़ा तो उसके सामने पियानो की कीज दब रही थी, पर वहां उन कीज को दबाने वाला कोई भी नहीं था। अब जेम्स घबराने लगा था और उसकी हालत घबराहट के मारे खराब होने लगी थी। वो जहां से आया था उसी रास्ते पर वापस भागने लगा, पर जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचा वो दरवाजा अपने आप जेम्स के मुंह पर बंद हो गया। जेम्स उस अंधेरे से भरे घर में बंद हो गया था। वो जोर जोर से दरवाजे को पीटने लगा। वो जैसे जैसे दरवाजे पर अपने हाथ मार रहा था वैसे वैसे एक बड़ी सी काली परछाई ने उसे ढक लिया और जेम्स अचानक ही बेहोश हो गया। कुछ देर बाद उसकी आंख खुली तो उसके सर पर चोट लगी हुई थी और उसके चेहरे पर किसी के नोचने के निशान थे।
जेम्स आंख खुलते ही फिर से दरवाजे को पीटने लगा। वो अब चीख चीख कर रामानंद को आवाज लगाने लगा, पर बाहर से कोई जवाब ही नहीं आया। जेम्स जल्द से जल्द वहां से बाहर निकलना चाहता था। उसने अपने दिमाग को शांत किया और बाहर निकलने की तरकीब सोची। उसने सोचा कि वो ऊपर वाले कमरे की खिड़की से बाहर कूद जाएगा। जेम्स को उस घर के और अंदर जाने में डर तो लग रहा था, पर उसके पास अब और कोई रास्ता भी नहीं था। जेम्स दिल पक्का करके सीढ़ियों तक पहुंच गया, पर जैसे ही उसने पहली सीढ़ी पर पैर रखा, उसके पीछे से फिर से एक काली परछाई गुजरी। जेम्स तुरंत पीछे मुड़ा, पर इस बार वहां कोई भी नहीं था। जेम्स जैसे जैसे वो सीढ़ियां चढ़ रहा था, उसे किसी औरत के रोने की आवाजें आने लगी। जेम्स उन सभी आवाजों को इग्नोर करता हुआ बस सीढ़ियां चढ़ता जा रहा था। ऊपर पहुंचकर जेम्स को सामने के रूम में एक खिड़की दिखी। उस रूम में घुसते हुए जेम्स को डोर पर डॉल्सीज रूम लिखा हुआ दिखाई दिया। जेम्स चोटिल हालत में धीरे धीरे उस खिड़की के पास जाने लगा कि तभी उसे एक बेहद बुरी स्मेल आने लगी। उसने कमरे में नजर घुमाई तो वहां जो उसे दिखा, उसे देख उसका दिल दहल उठा। उस कमरे के बेड पर किसी औरत की एक सड़ी गली लाश पड़ी थी और उस लाश का गला कटा हुआ था। जेम्स ये खौफनाक दृश्य देख ही नहीं पा रहा था कि अचानक से कुछ डोलता हुआ जेम्स के पैरों में आ गया। जेम्स की नजरें जब नीचे अपने पैरों पर गईं, तो उसकी जान ही सूख गई। उस लाश का कटा हुआ सर जेम्स के पैरों में था। जेम्स उसे देख पीछे हुआ और नीचे गिर पड़ा। तभी वो सर कटी औरत की लाश बेड से खुद ब खुद उठी और उसने जेम्स के पैरों में पड़ा अपना भयानक सर उठाया और अपने शरीर से जोड़ लिया। वो औरत बेहद डरावनी लग रही थी। धीरे धीरे वो जेम्स के पास आती जा रही थी। जेम्स उससे दूर हटता जा रहा था कि अचानक जेम्स खिड़की के पास आ गया। वो औरत अब भी जेम्स के पास आ रही थी और जेम्स जैसे ही उसके डर से थोड़ा और पीछे हुआ, उसका पैर फिसल गया और वो खिड़की से सीधा नीचे गिर गया। बाहर रामानंद की नजर घर की खिड़की पर गई तो उसने जेम्स को खिड़की से नीचे गिरता देखा। अब सवाल जेम्स की जान का था तो रामानंद ने हिम्मत की और घर के अंदर घुस गया। उसने देखा कि जेम्स नीचे पड़ा है और उसके सर से खून बह रहा है। लेकिन जब उसने ऊपर खिड़की की ओर देखा तो उसे वही औरत हंसते हुए दिखाई दी। रामानंद ने नीचे पड़े जेम्स को उठाया और जल्द से जल्द उसे लेकर घर से बाहर चला गया। वो जेम्स को सीधा हॉस्पिटल ले गया। कुछ दिनों बाद जब जेम्स ठीक हुआ तो रामानंद जेम्स से मिला और उसने उससे कहा कि जेम्स को उस दिन हंसना नहीं चाहिए था। उसने कहा कि वो घर सच में भूतिया है। कहते हैं कि वहां पर दो बहनें डॉल्सी और वेरा रहा करते थे। डॉल्सी एक पियानो टीचर थी और वेरा एक इंग्लिश टीचर थी। पर एक सुबह उस घर से डॉल्सी की लाश मिली। उस मर्डर की इन्वेस्टिगेशन करने पर ना तो कोई सबूत मिला और कुछ ही समय में वेरा भी उस घर को छोड़कर भाग गई। कहते हैं कि तब से उस घर में डॉल्सी की आत्मा का वास है। उस हादसे के बाद जेम्स की तो पूरी लाइफ ही पलट गई। उसके साथ जो हुआ वो शायद वो कभी नहीं भुला पाएगा। 2014 में फाइनली टेरावेरा हाउस को डेमोलिश कर दिया गया, लेकिन आज भी लोग उस घर के सामने से गुजरने से कपकपाते हैं। हमारी अगले हफ्ते की कहानी हॉन्टेड ऑफिस, कड़कड़ ढूमा कोर्ट, स्पॉटिफाई पर ऑलरेडी लाइव है, तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करिए और जल्दी से उसे सुनिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारा चैनल कूनी मंडे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।